नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सौहार्दम प्रकृति शोभा, सौहार्दम प्रकृति शोभा। तो देखिए दोस्तों, गजे तम वृक्षम एव सव सुंडे आलोढ़ितुम इच्छति। गजे हाथी तम वृक्षम, उस वृक्ष को, गजे है हाथी, तम वृक्षम उस वृक्ष को, तम वृक्षम उस वृक्ष को, एव ही सब सुंडेन अपनी सूंड से, तृतीय विभक्ति एक वचन, करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा, तो अपनी सूंड से, स्वयं मीन्स अपनी सुंडेन सूंड से, आलोडितुम में का मतलब होता है हिलाना, और इच्छति का मतलब चाहता है। तो देखिए दोस्तों, हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से हिलाना चाहता है। गजे तम वृक्षम सव सुंडेन आलोडितुम इच्छति। गजे हाथी तम वृक्षम उस वृक्ष को, गजे हाथी तम वृक्षम उस वृक्ष को, एव ही हाथी उस वृक्ष को ही सव सुंडेन अपनी सूंड से, आलोडितुम का मतलब हिलाना, इच्छति मीन्स चाहता है। हाथी उस वृक्ष को अपनी सूंड से ही हिलाना चाहता है। तो यहां पर गजे हाथी ये कर्तृपद हुआ, करता हुआ, और तम वृक्षम ये है कर्म कारक, एव अव्यय है, सब सुंडे करण कारक है, और आलोडितुम इसमें तुमन प्रत्यय है, और इच्छति ये क्रियापद है, और इसकी मूल धातु होती है इस। तो इस प्रकार से इस लाइन का अर्थ हुआ कि हाथी उस वृक्ष को ही अपने सूंड से हिलाना चाहता है। नेक्स्ट, लेकिन परम मीन्स लेकिन, वानरस्तु वानर तो कूर्दित्वा कूद करके अन्यम वृक्षम आरोहति, अन्यम दूसरे वृक्षम वृक्ष पर आरोहति चढ़ जाता है। लेकिन परम मीन्स लेकिन, वानरस्तु इसमें संधि विच्छेद होगा, वानर है धंतु सत्व विसर्ग संधि, लेकिन वानर तो, वानर है तू, लेकिन वानर तो कूर्दित्वा कूद करके, कूर्दित्वा में कत्वा प्रत्यय है और कूर्द धातु है, कूर्द धातु है और कत्वा प्रत्यय है, कूर्दित्वा में कूद करके अन्य वृक्षम आरोहति, अन्यम वृक्षम अन्यम दूसरे वृक्षम वृक्ष पर आरोहति चढ़ जाता है, आरोहति चढ़ जाता है, लेकिन बंदर तो कूद करके दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार यहां पर वानर कर्तृपद है और तू अव्यय है, कूर्दित्वा इसमें कत्वा प्रत्यय है, और अन्यम वृक्षम दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है, आरोहति यहां पर क्रियापद है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट, एवं इस प्रकार गजम हाथी को वृक्षात वृक्ष से, वृक्षम प्रति वृक्ष की ओर धावंतम दौड़ते हुए दृष्ट्वा देख करके, सिंह अपि शेर भी हसती हसता है, चे और वदती बोलता है। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देख करके शेर भी हसता है और बोलता है, शेर भी हंसता है और बोलता है, हंसने वाला और बोलने वाला कौन है, शेर है। ये कर्तृपद है और ये क्रियापद है, ये क्रियापद है। किसको? इस प्रकार गजम हाथी को, इस प्रकार हाथी को वृक्षात वृक्ष से, पंचमी विभक्ति एक वचन, सब अपादान कारक, अपादान का मतलब होता है से, तो वृक्ष से मूल शब्द के साथ में हम कारक चिन्ह जोड़ देते हैं, तो वृक्षात वृक्ष से, इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्षम प्रति वृक्ष की ओर धावंतम दौड़ते हुए दृष्ट्वा देख करके, सिंह अपि शेर भी हसती वदती चे, हसता है और बोलता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कर्म कारक है, इसमें अपादान कारक, पंचमी विभक्ति एकवचन, वृक्षम प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है,
ये हम ध्यान रखें क्योंकि शुद्ध अशुद्ध में भी हमें ये बहुत काम आते हैं। धावंतम, धावंत में सत्री प्रत्यय है द्वितीय विभक्ति एक वचन, मूल धातु है धाव और सत्री प्रत्यय। और दृष्ट्वा में दृष्ट धातु है और कत्वा प्रत्यय है, दृष्ट्वा मीन्स देख करके, सिंह शेर भी, अपि मीन्स भी, हसती वदती चे हंसता है और बोलता है, तो अपि अव्यय है। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देख करके शेर भी हंसता है और बोलता है। नेक्स्ट, सिंह भोगजे हे हाथी, माम अपि एवं एतुदन एते वानराः, इसका संधि विच्छेद करके माम धन अपि धन एवं एव एतुदन, एतुदन माम मुझको अपि भी, माम मुझको अपि भी एवं इस प्रकार एव ही एतुदन तंग करते थे, मुझको भी इस प्रकार ही तंग करते थे। तो देखिए, हे हाथी, एते वाना ये वानर माम अपि मुझको भी एवं इस प्रकार ही एतुदन तंग करते थे, इस प्रकार ही मुझे परेशान करते थे, इस प्रकार से बोल रहा है, शेर बोल रहा है इस प्रकार से। नेक्स्ट, वानर है, एतस्माद एव तु कथयामि, एतस्माद एव, इसमें संधि है, एतस्माद धन एव, जस्तु संधि है, एतस्माद एव, इस कारण से ही, तू तो कथयामि कहता हूं, इस कारण से ही तो, कथयामि मीन्स कहता हूं, इस कारण से ही तो कहता हूं, क्या कहता हूं, यत कि अहम एव योग्ये, मैं ही योग्य हूं, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे आप, यत धन अहम धन एव, यहां पर जस्तो संधि है, यहां पर जस्तो संधि है, यत मीन्स की अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूं। वनराज पदाए, वनराज के पद के लिए, वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूं, यह कह रहा है बंदर, इसी कारण से ही तो कहता हूं कि मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, वनराज पदाए, वनराज पदाए, वनराज पद के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है, उसका चिन्ह होता है को के लिए। येन जिससे विशालकायम प्राकर्मणीयम, विशालकायम प्राकर्मीणम भयंकरम चयपि सिंगम गजम वा पराजितुम समर्था अस्माकम जाति ही, ये कह रहा बंदर, जिससे विशालकाय पराक्रमी और भयंकर भी शेर को अथवा हाथी को पराजित करने के लिए हमारी जाति समर्था समर्थ है, अस्माकम मीन्स हमारी जाति, जाति समर्था समर्थ है। कैसे, एक बार और देखिए, इस कारण से ही तो कहता हूं कि मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए, जिससे विशालकाय पराक्रमी और भयंकर भी, और भयंकर भी शेर को अथवा हाथी को पराजित करने के लिए हमारी जाति समर्थ है। पराजेतुम में तुमन प्रत्यय है, परा उपसर्ग है और जी धातु है और तुमन प्रत्यय है, पराजेतुम पराजित करने के, चय धन अपि इसमें दीर्घ संधि है, चय धन अपि इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट, अतः वन्य जंतुनाम रक्षायै वयम् क्षमाः, अतः इसलिए वन्य जंतुनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, का के की वन्य जंतु की रक्षायै, रक्षा के लिए चतुर्थी विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग, जैसे लतायै वैसे ही रक्षायै, इसलिए वन्य जंतु की रक्षा के लिए वयम एव हम ही क्षमा का मतलब समर्थ है। एतत् सर्वम ये सब श्रुत्वा सुनकर के नदी मध्य नदी के बीच एक बकह एक बगुला, ये सब सुनकर के नदी के बीच एक बगुला सुनता है बातें और क्या कहता है, तो एक बार
इसका ट्रांसलेशन और देखेंगे। हाथी ने उस वृक्ष को ही अपने सूंड से हिलाना चाहता है, लेकिन बंदर तो कूद करके दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है, सिंह, हे हाथी, मुझको भी इस प्रकार ही ये बंदर एतुदन पीड़ित करते। बंदर, क्योंकि इसका संधि विच्छेद यह है, मुझको भी इस प्रकार ही पीड़ित करते थे, एतुदन तंग करते थे। कौन? एते वानरा, ये बंदर। ये बंदर मुझको भी इस प्रकार ही एतुदन पीड़ित करते थे, ये कह रहा है से वानर। एतस्मात् एव तु कथयामि, इसलिए ही तो कहता हूं कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूं, जिससे विशालकाय पराक्रमी और भयंकर भी शेर को अथवा हाथी को पराजित करने के लिए हमारी जाति समर्थ है। इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही समर्थ हैं। ये सब सुनकर के नदी के बीच एक बगुला। तो दोस्तों, अब करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। कम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति, किसको वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है। किसको वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है। तो देखिए, शेर भी हंसता है। किसको वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है। तो यहां पर देखिए, एवं इस प्रकार गजम, हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देख करके शेर भी हंसता है और बोलता है। तो इसका आंसर लिखेंगे यहां पर गजम। इस कम के स्थान पर आंसर लिखेंगे हम गजम। एक पद में आंसर पूछा जाता है तो, और एक पद में आंसर नहीं पूछा जाता है, पूर्ण वाक्य में पूछा जाता है, तो यहां पर कम के स्थान पर गजम लिख करके पूरा सेंटेंस लिखकर यहां पर पूर्ण विराम लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजे कम सौ सुंडेन आलोड़ितुम इच्छति, गजे कम सौ सुंडेन आलोड़ितुम इच्छति, हाथी किसको अपनी सूंड से हिलाना चाहता है। हाथी किसको अपनी सूंड से हिलाना चाहता है। तो देखिए, यहां पर अपनी सूंड से किसको हिलाना चाहता है, वृक्षम, वृक्षम। तो कम के स्थान पर हम आंसर लिखेंगे वृक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजे तम वृक्षम, हाथी उस वृक्ष को केन आलोड़ितुम इच्छति, किससे हिलाना चाहता है, केन किससे हिलाना चाहता है। तो केन के स्थान पर आंसर लिखेंगे सवसुंडेन, अपने सूंड से हिलाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्र वन्य जंतूनां रक्षायै के आत्मने क्षमा कथयन्ति, यहां वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए कौन अपने आप को समर्थ कहते हैं, कौन कहते हैं। तो के स्थान पर क्या आंसर लिखेंगे, कौन। देखिए, अतः वन्य जंतु नाम रक्षा ये वयम एक क्षमा हमी समर्थ है, कौन कह रहे, बंदर। तो यहां पर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे आंसर, वानराहा, क्योंकि के बहुवचन है, इसलिए आंसर हमें बहुवचन में लिखना होगा, वानराहा। केशाम जाति सिंगम गजम व पराजितुम समर्था, किनकी जाति शेर अथवा हाथी को पराजित करने में समर्थ है। तो देखिए, इसका आंसर भी होगा बंदर, क्योंकि ये कह रहा है कि जिससे विशालकाय पराक्रमी और भयंकर भी शेर अथवा हाथी को पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है, ये कह रहा है कौन, बंदर। तो किनकी जाति, वानराणाम। केशाम के स्थान पर हम लिखेंगे आंसर वानराणाम, केशाम के स्थान पर वानराणाम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या लिखेंगे, केशव के स्थान पर वानराणाम, और बाकी सेम सेंटेंस लिखेंगे और अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानरा आत्मानम वनराज पदाय योग्या कथम मन्यन्ते, बंदर अपने आप को वनराज पद के लिए योग्य कैसे मानते हैं। बंदर अपने आप को वनराज पद के लिए योग्य क्यों मानते हैं, क्या कारण है। तो देखिए, एतस्माद् एव तु कथयामि,
यत अहमेव योग्य वंदराष्पदाय येन विशाल कायम पराक्रमणीयम भयंकरम च अपि सिंहम गजम अपराजितुम समर्था अस्माकम जाति। यहां से यहां तक इसका आंसर एज इट इज लिखेंगे। तो दोस्तों अर्थ है वन्य जंतु नाम रक्षा है वयम एवं क्षमा, हम ही समर्थ है। तो यहां पर वयम कर्त्री पद है और यहां पर वयम कर्त्री पद है और वन्य जंतु नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। श्रुत्व में श्रु धातु है, कत्वा प्रत्यय है, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय है। यहां पर कथयामी है, ये कथ धातु है, क्रियापद है और उत्तम पुरुष एक वचन है, इसका कर्ता होगा अहम, कर्ता होगा अहम। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।